सोलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज हिंदी माध्यम में, जो भी बच्चे हिंदी माध्यम वाले हैं ठीक है, उनके लिए लेके आए हम पाठ योजना, जो रहने वाला है हमारा RCM दृष्टिकोण के आधार पर ठीक है, यानी RCM अप्रोच के बेस्ड पे लेसन प्लान। और हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है भूगोल ठीक है, और यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, और इसका एस्पेक्ट जो है वो भूगोल रहने वाला है। विषय हमारा वातावरण है, यानी टॉपिक हमारा रहेगा फर्स्ट, ये क्लास 7th का यूनिट है। तो वीडियो शुरू करते हैं, एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही काम करना है, वो यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है अभी के अभी सब्सक्राइब, और वीडियो कर देना है लाइक ठीक है। बाकी आप कुछ नहीं करोगे, जो भी करेंगे हम करेंगे। सो गाइज, अगर आपको कोई भी लेसन प्लान नहीं मिल रहा है तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। कोई भी टॉपिक है, जैसे आपका कोई लेसन है या कोई आपका यूनिट है, कोई चैप्टर है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हमें इसका लेसन प्लान रेडी करना है, चाहे किसी भी अप्रोच के बेस्ड पर हो ठीक है, जैसे हार्वेशियन अप्रोच हो गया, RCM अप्रोच हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो गया, इन तीनों में से अगर किसी के आधार पर भी आपको लेसन प्लान बनाना है एंड आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे ठीक है। सो शुरू करते हैं वीडियो एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा ए स्टेप रहता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसको पहचान डेटा भी कहते हैं हम। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छात्र शिक्षक का नाम क्या रहेगा, रोल नंबर क्या है, कक्षा 7वीं। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान रहेगा, भूगोल हमारा पहलू रहेगा यानी एस्पेक्ट रहने वाला है, विषय हमारा वातावरण रहेगा, अवधि यानी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 30 से 40 मिनट, ये खजूर ऐसे लिख दिया हुआ है, ये रहता है हमारा तिथि ठीक है, क्या रहेगा ये हमारा तिथि यानी डेट कितनी होगी, वो वही होगी जिस दिन आप डिलीवर करोगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको छोटा सा क्या करना है, यहाँ पे हिलका लेना है आपको मिनिएचर, जो कि डिपिक्ट करता है कि आपने टीचिंग एड क्या तैयार करा था ठीक है। तो ये इससे आप क्या होता है कि प्रॉपर डेकोरेटिव वे से आपका लेसन प्लान बन जाता है ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो नीचे जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो हमारी ये होती है। इसके बाद आता है हमारा बी स्टेप, दैट इज़ द इनपुट। इनपुट मतलब निवेश, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों को हम निवेश करने वाले हैं वो देखेंगे इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो टीचिंग पॉइंट्स रहते हैं हमारे, यानी शिक्षण बिंदु कि हम ये चीज़ें जो है वो पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। जैसे पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे कि पर्यावरण है क्या, इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या हैं, प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, मानव पर्यावरण क्या है ठीक है, तो यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, और परिस्थितिकी ठीक है, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हो, परिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स जो जो हम पढ़ाने वाले हैं, ये ही हमारे चैप्टर के अंदर यानी जो हमारा पहला अध्याय दिया हुआ है उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन यानी पाठ के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं हमारे, तो इसमें वही होगा हमारा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ठीक है, कल्पना करने की शक्ति और विश्लेषण करने का कौशल यानी स्किल जो है हमारी, विश्लेषण क्या होता है, एनालिसिस करने की स्किल हो गया, कल्पना यानी इमेजिनेशन करने की ये कौशल जो है इसका विकसित करना या विकास करना, बच्चों के बीच अवलोकन का कौशल विकसित करना ठीक है, उनमें डेवलप करना स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे सामाजिक विज्ञान के ज्ञान के साथ छात्रों को जागरूक करना, अवेयरनेस लाना बच्चों में कि सोशल साइंस जो होती है हमारी हमारी डे टू डे लाइफ में इसका जो ज्ञान होता है या नॉलेज होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है। फिर आ जाएगा छात्रों को पर्यावरण, पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट प्राकृतिक और मानव पर्यावरण की समझ और ज्ञान से परिचित कराना ठीक है। तो ये हमारे रहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, किसके हमारे पाठ के जो भी लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं। देन देखते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारा B3 स्टेप, जो कि हमसे कहता है कि आपको क्या करना होता है। देखो, अपेक्षित व्यवहार परिणाम यानी एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। देखो, अभी हमें पता नहीं होता, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम तो घर पे बनाते हैं लेसन प्लान, अब हमें पता नहीं होता तो बहुत अच्छी अप्रोच है भाई, बहुत सिस्टमेटिक वे से बनाया गया था इसको रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर की तरफ से ठीक है। तो अपेक्षा कर सकते हैं हम कि बच्चा जो है वो ये करने के योग्य हो जाएगा, या अब हम ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे उसको, या अब ये लेसन डिलीवर कर देंगे तो बच्चा ये करने के योग्य हो जाएगा। ज्ञान हो गया, नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग, आवेदन, एप्लीकेशन। देखते हैं पर्यावरण, जैविक और अजैविक घटकों और पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी परिभाषा को याद कर पाएंगे वो ठीक है, यानी बच्चे जो है वो डेफिनेशन को रिकॉल कर पाएंगे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी जैविक और ये सारी चीज़ें क्या होती है।
समझ की बात करें तो छात्रा जो है, छात्रा नहीं होगा यहाँ पे, छात्र जो होंगे वो पर्यावरण के जो भी जैविक और अजैविक यानी कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, उनके बीच में अंतर बता पाएंगे कि क्या क्या क्यों लग गए, बायोटिक अबायोटिक से कैसे लगे। आवेदन की बात करें तो यहाँ पे रहता है एप्लीकेशन, तो बच्चे जो है वो अपनी जो भी समझ है उसका उपयोग कर पाएंगे किसके लिए, कि मान्य जो हमारा मानव परिवार सॉरी मानव पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे अलग है। ठीक है, तो ये इसका विश्लेषण कर पाएंगे, इसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे बात करें तो रहता है हमारा टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायता सामग्री बोल सकते हैं आप इसको। तो सामान्य रहता है हमारा जो सामान्य कक्षा उपकरण होते हैं हमारे, जैसे डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, चाक। विशिष्ट के अंदर हमारा रहता है जैसे कोई स्पेसिफिक टीचिंग एड बनाया हुआ है आपने, जो भी चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है, आपके टॉपिक के रेलिवेंट। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोसेस यानी प्रक्रिया। प्रोसेस होता है कि अभी क्या क्या गतिविधियाँ होने वाली हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी हमारी, जैसे मोटिवेशन हो गया, प्रेरणा होती है। तो देखो आप सबको पता, जब भी हम कोई लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं या अभी पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे का पूर्व ज्ञान जो हो उसको पहले कितना पता है उसका पता करने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका जो एक मिथ है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मोटिवेशन जो है वो हमेशा यानी जो प्रेरणा है वो हमेशा प्रश्न पूछ कर ही होगी। नहीं, आप यहाँ पे रिक्त स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत ट्रू फॉल्स ये कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। सॉरी इसमें नहीं आएगा, गलत बोल दिया मैंने, वो हमारा रियल लर्निंग आउटकम में आएगा। तो यहाँ पे देखो आप कोई इमेजिनेशन करवा सकते हो, कोई रियल इंसिडेंट जो हमारा होता है उसको बता सकते हो। ठीक है, कोई घटना घटी है या फिर जो रियल कोई बाहर बच्चे ने फील करा है, बच्चे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ से आप चीज़ों को जो है वो रिलेट कर सकते हैं, उसकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ से भी पूछ सकते हैं। आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं, चार्ट के ऊपर बच्चों को पूछ सकते हैं, बताओ इस चार्ट के ऊपर क्या है, ये क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो आप उसके थ्रू भी जो है वो मोटिवेशन कर सकते हो। अब हमारा होता है प्रेरणा क्यों। ठीक है, क्यों प्रेरणा करते हैं हम, तो इसके लिए बच्चों में रुचि पैदा करना यानी जो हम पढ़ाने वाले, या उनका पिछला ज्ञान या उनको कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, या फिर जो भी उनका पिछला ज्ञान है यानी पूर्व ज्ञान है उसको आज जो हमारा अभी वर्तमान में जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके साथ उसको कनेक्ट करना आपस में। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेरणा। तो जीवन की आवश्यकताएं क्या है, या आप क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो, अपनी चॉइस के बेस पे भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वाले नहीं अच्छे लग रहे हैं तो जीवन की आवश्यकताएं ये बताएंगे बच्चे, एक्सपेक्टेड रहता है हमारा, अपेक्षित उत्तर है। हमें पता नहीं है कि बच्चे यही बोलेंगे, लेकिन हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे ये चीज़ें या ये उत्तर दे सकते हैं। हमें भोजन और पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो ये आप बता दोगे, बच्चे बताएंगे हमें यहाँ यहाँ से मिलता है। क्या क्या आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें जो घेरी हुई हैं, जैसे इमारतें, पुल, हवा, पानी, तो बच्चे बोलेंगे हाँ यस मैडम या सर, हाँ जी सर, है ना। फिर आ जाएगा ये सभी घटक एक साथ क्या बनाते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि एक पर्यावरण बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। फिर आप जो है वो पूछ सकते हो, क्या आपको पता है कि जो हमारा पर्यावरण होता है इसके घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स कर भी सकते हैं या इसका उत्तर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। अगर वो इसका उत्तर दे देते हैं तो तब आपको सिंपली रिपीट कर देना है कि हाँ हमारे जो कंपोनेंट होते हैं या घटक होते हैं हमारे वातावरण के, वो होते हैं हमारे जैविक और अजैविक, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है वातावरण। ठीक है, उसके साथ आप जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर यानी श्याम पट के ऊपर अपना जो भी टॉपिक है, जो भी आपका विषय है, उसका नाम जो है वो लिख दोगे। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, विषय की घोषणा, ये मैंने आपको बता दिया। अगर वो उत्तर नहीं देते हैं लास्ट प्रश्न का तो फिर आप उत्तर दोगे, देन आप जो है वो बोल दोगे कि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, और इसके साथ ही आप जो ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिख दोगे। फिर रहेगा हमारा प्रेजेंटेशन, दैट इज़ अ प्रस्तुति। ठीक है, आपको पता है प्रस्तुति। ठीक है, तो इसके अंदर हम चार हेडिंग्स के अंदर हमारा जो है वो करते हैं, जैसे कंटेंट क्या है, सामग्री क्या पढ़ाने वाले हैं, पुपल टीचर एक्टिविटी यानी शिक्षक छात्र होगा यहाँ पे, सॉरी छात्र शिक्षकों का। ठीक है, तो ये आप इसको कर लेना, ठीक, छात्र शिक्षक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छात्र शिक्षक। ठीक है, छात्र शिक्षक की गतिविधियाँ क्या रहेंगी और छात्रों की गतिविधियाँ, एंड ब्लैक बोर्ड समरी क्या रहेगी यानी सारांश क्या रहेगा। तो ये आप यहाँ से देख लोगे, हर एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में दिख जाएगी। ठीक है, अभी आप उनकी अवधारणा बताओगे, कंसेप्ट बताओगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पर्यावरण जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें जो हमें घेरे हुए हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी जीव कोई है उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आप चार्ट या मॉडल की मदद से जो है वो जो भी पर्यावरण के घटक हैं उनके बारे में आप जो है वो डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करोगे,
ठीक है। और आप बताओगे कि जो देखो यहाँ पे लिख रखा है छात्र शिक्षक जो है वो छात्रों को समझाएगा कि पर्यावरण के दो मुख्य घटक हैं कौन कौन से, घटक जैविक घटक अजैविक, यानी अबायोटिक अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। फिर ये आपको वही आ गया। और अगर हम बात करें जैविक घटक क्या होते हैं, तो वही जो भी जीव हैं, ठीक है, जीवित तो जो भी हैं जैसे हमारे वन पौधे मनुष्य, ठीक है, और अजैविक जो भी नॉन लिविंग हैं, ठीक है, जैसे वो हमारे क्या होते हैं अजैविक। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण, तो प्रकृति की जो भी प्रकृति की जो भी नेचर जो नेचर की तरफ से हमें दिया गया है, ठीक है, दैट इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे हमारे इसमें आ जाएंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है, सतल मंडल है ना, पता होगा आपको, सबको पता है, लिथोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, ठीक है भाई, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, तो इनके अंदर जो भी चीज़ें होंगी जैसे मैदान हो गया, कृषि भूमि हो गया, जंगल पहाड़ हो गया, जल मंडल में हमारे जो भी झीलें महासागर मरे ओशंस हो गए, वायुमंडल में हमारा गैसेस वाला पार्ट यानी एटमोसफेयर हो गया, और बायोस्फेयर यानी हमारा जैविक जो हमारा मंडल होता है जीव मंडल जिसको हम बोलते हैं। तो ये जीव मंडल क्या होता है बेसिकली इन सब का, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, यानी सथल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का वो वाला हिस्सा यहाँ पे क्या होता है जीवन यानी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं बायोस्फीयर, ये आपको पता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, दैट इज़ अ ह्यूमन इन्वायरमेंट, क्या होता है यानी मानव पर्यावरण। तो मानव ने क्या करा है अपनी नीड यानी आवश्यकता के अनुसार जो हमारा प्राकृतिक वातावरण था उसको जो है वो चेंज कर दिया, यानी उसके अपने अनुसार जो है उसको उसमें बदलाव ला दिए, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे बंजर भूमि जो थी या वन भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड, उसको कृषि भूमि में जो है वो परिवर्तित कर, ठीक है, यानी उसको कर दिया, ये भी हमारा क्या हो गया। देखो पहले वो नेचुरल इन्वायरमेंट ही था लेकिन हमने उसको अपनी नीड्स यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमने उसको जो है वो उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें बदलाव ला दिया। फिर आ जाएगा हमारा कि सड़कें बनाना, जैसे ये भी हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की एस्टेब्लिशमेंट करना यानी जो हमारे उद्योग होते हैं उनकी स्थापना करना, पशुओं कृषि इनका जो है वो डोमेस्टिकेशन करना। उसके बाद हमारा आ जाएगा ये सभी क्या करते हैं हमारे मान्य पर्यावरण सॉरी मानव पर्यावरण पर्यावरण का गठन करते हैं यानी उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। देन आ जाएगा इकोसिस्टम, ये हमारे बुक में दे रखा था वहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो इकोसिस्टम में आपको सबको पता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो आप बताओगे बच्चों को। एंड ये आपको पता ही है कि जो जैविक होते हैं और अजैविक जो भी हमारे घटक होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, उनके बीच में जब जो इंट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं परस्पर क्रिया होती है जो, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि जो मानव होता है उसको जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर एक मिनट, जो मानव होता है हमारा तो उसको जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बच्चे बोलेंगे वायु हो गया, है ना। तो फिर आप बोलोगे कि देखो ये वायु क्या है नॉन लिविंग है यानी अजैविक है, और ह्यूमन यानी मानव क्या है जैविक है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं इकोसिस्टम यानी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद हमारा रहता है क्लोजर यानी समापन, तो समापन में हम क्या लिखते हैं पूरा ओवरऑल समरी सारांश बता दोगे आप कि बच्चा पार्टी आज हमने इन चीज़ों के बारे में अब सीखा जो हमारे पर्यावरण को बनाती हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिन्होंने हमें घेरा रखा है या जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं चारों ओर से, इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे पहाड़ जंगल हवा, है ना, और जो अन्य नेचुरल यानी प्राकृतिक जो हमारे घटक हैं। फिर आप बता दोगे कि हमारे दो टाइप्स के जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं घटक होते हैं जैविक हो गए अजैविक हो गए, एंड ये आप बता दोगे लास्ट में, एंड देन आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल ही जारी रखेंगे। फिर उसके बाद आता है आउटपुट, आउटपुट होता है हमारा यानी परिणाम, तो रियल लर्निंग आउटकम यानी वास्तविक सीखने के परिणाम क्या रहे हमारे कि वास्तविक में बच्चों ने क्या सीखा होगा। तो जब हम पढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारे वो पॉइंट आएंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं सवाल पूछे गए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप रिक्त स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हो, या फिर आप सही गलत पूछ सकते हो ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना बच्चों ने सीखा कितना उन्होंने समझा जो हमने पढ़ाया। एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय पर्यावरण से कैसे अलग है, और अजैविक घटक क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद होगा हमारा बायोस्फीयर क्या है, और पर्यावरण के विभिन्न जो डोमेन है उनके नाम बताने हैं, और घर के लिए आप जो है वो काम दे दोगे इनको, ठीक है, गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे आप इसको होम असाइनमेंट ही लिख देना हिंदी में भी, ठीक है,
होम असाइनमेंट, ठीक है, और वैसे भी लिख सकते हो हिंदी में, तो आप उनको बोलोगे कि पर्यावरण के जो भी अलग अलग कंपोनेंट हैं उनका आपको एक वेल लेवल साफ और स्वच्छ आरोह बनाना है आपको, यानी डायग्राम बना के लानी है, चित्र बना के लाना है कल। तो ये रहेगा हमारा क्या होमवर्क, ठीक है। सो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेसन प्लान जो हमने देखा और कैसे बनाना है। अगर मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना होगा ना, तो आपको बस एक दो वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद से ही सारी चीज़ें डेवलप कर लोगे। बस मेन चीज़ होती है हमारे जो मोटिवेशनल क्वेश्चंस होने चाहिए वो हमारे रेलिवेंट टू द टॉपिक होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे जुड़ने चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड होने चाहिए उनका जो है, उसमें कहीं ना कहीं उसका तालमेल होना चाहिए आपस में, ठीक है, और कोहरेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो उससे मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट लेसन प्लान, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।